विद फन चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकाले गए हैं वैकेंसी शीट के लिए, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया है और कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल्स हैं और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें मैं आपके सारे डाउट्स हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और हम इसके साथ ही चलते हैं हमारे जो नोटिफिकेशन पेज है उसमें हम चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें आप देखिए कि ये जो एक नोटिफिकेशन आपका पेज है तो उसमें देखिए आप कि नवोदय विद्यालय समिति नोएडा की तरफ से ये निकाला गया है और इसमें हम देखेंगे कि जो नोटिस है उसमें दिया गया है कि ये जो क्लास जो सेशन है आपका 2020-21 के लिए 11th क्लास के लिए सेशन के लिए फॉर्म जो है वो फिलअप करवाए जा रहे हैं, एडमिशन जो करवाए जा रहे हैं और इसमें जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th उनकी पास आउट होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से जो बच्चे CBSE या अदर जो भी स्टेट्स हैं बोर्ड्स उनके द्वारा जो 10th पास करके आए हैं वो बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 11th के लिए। आगे हम इसमें देखते हैं कि और क्या क्या बताया गया है। तो देखिए आगे इसमें बताया गया है कि इसमें उन बच्चों का जो 10th जो बच्चे जिनका जन्म जो बॉर्न्स है वो उनका योग्यता जो बताई गई है वो बताई गई है कि 1 जून जो 2002 से 31 मई 2006 के बीच में उनका जो बॉर्न है वो उनका होना चाहिए और इसमें जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है, उनको भी इसी जो उनका बॉर्न भी 1 जून 2002 से और 31 मई 2006 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इसमें जो 10th में जो बच्चों ने जो पास आउट करा है जो उनका कौन सा सेशन होना चाहिए उनका 2019-20 में उन्होंने 10th जो है वो CBSE या अदर जो भी उनका स्टेट का जो बोर्ड है उसके द्वारा उन्होंने ये पास आउट कर लिया होना चाहिए, वो ही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो ये एडमिशन है वो उनके जो 10th का उनका मार्क्स है और जो बच्चों ने 2019-20 में ये सेशन में 10th पास आउट करा है वो ही इसमें भर सकते हैं और जितने उन्होंने मार्क्स जो अचीव करे हैं वो उसके बेस पे जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बेस पे उनका इसमें सिलेक्शन होगा। तो जो सिलेक्शन लिस्ट है मेरिट लिस्ट जो उनका पहले फर्स्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सेकेंड उनकी जो स्टेट लेवल है उस पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको एडमिशन दिया जाएगा। पर इसमें अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनी रीजन इसमें सेलेक्ट होने के बाद भी वो इसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो उन बच्चों की जो खाली सीटें हैं उनको भी जो स्टेट लेवल के बच्चे हैं उनसे ही उसको फिलअप करा जाएगा। साथ में जो इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो JNV के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा SMS या स्पीड पोस्ट के जरिए दी जाएगी कि आप सिलेक्शन आपका हो गया है। साथ में इसके सिलेक्शन के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनका वहाँ के JNV के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उनका मेडिकल जो टेस्ट है वो उनका लिया जाएगा और देखा जाएगा कि उनको किसी तरह की जो कोई भी जो डिजीज है या फिर कोई सीरियस जो एलिमेंट्स हैं वो तो नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो उनका जो एडमिशन है वो उसको हटा दिया जाएगा, उनको निरस्त कर दिया जाएगा उनका एडमिशन और साथ में उनको जो उनके एडमिशन के बाद उनका जो 10 डेज का उनके लिए प्रोग्राम है वो वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद है आपका स्कीम ऑफ स्टडीज। तो उसमें देखिए आपको बताया गया है कि आपके जो सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे आप कोई साइंस या मैथमेटिक्स या साइंस मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आपको कैसे आपकी कैटेगरीज वाइज आपके परसेंटेज बेस पे आपका ये होगा। जैसे जनरल और OBC की 1% रखी गई है और SC और ST की आपकी
1% रखी गई है उसके बेस पे होगा। उसके बाद है आपका जो वेटेज मार्क्स हैं उसके जरिए आपका जो आपको कुछ मार्क्स का आपको बेनिफिट दिया गया है, जैसे कि जो बच्चों ने गेम्स स्पोर्ट्स या एनसीसी या स्काउटिंग या गाइड में जो पार्टिसिपेट आपने करा है उसके बेस पे आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद है आपका कि जो फॉर्म फिलअप है उसको आपको कब से स्टार्ट हो रहे हैं और वो कहाँ जाके और कौन कौन से उसमें रियायत दी गई हैं वो आप एक बार देख लीजिए कि आपके जो 12 अगस्त 2020 से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 अगस्त 2020 रखी गई है। साथ में आप ये जो फॉर्म है वो आप फिलअप www.navodayGOV.in पर जाके आप ये जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एससी एसटी या गर्ल्स या फिर ऐसी फैमिली से आप जो बीपीएल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो उनको ये फॉर्म फ्री रखा गया है, उनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं ना जो स्ट्रीम्स है वो आपको क्लास वाइज और स्टेज वाइज जेएनवी वाइज आपको दी गई हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और आगे आपको मैं आपको सारी डिटेल में बता देती हूँ कि जैसे आप इसको जो आपकी स्टेट है वो आप देख के इसको चूज़ कर सकते हैं जो भी आप स्टेट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं, और उसके बाद कैटेगरीज वाइज आपके सीट्स हैं जो यहाँ फिक्स करी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी सीट आपकी जो अवेलेबल है कौन सी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, उसके ज़रिए आप इसको सेलेक्ट करके अपना फॉर्म है वो अच्छे से कंप्लीट इसको फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपकी मैंने इसी जो आपके ये डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपको जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके साथ ही साथ हम मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय।